हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रभा वर्कबुक क्लास 6 to 7 सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 26 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 25 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी चेकआउट नहीं किए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे वर्कशीट 26 का सॉल्यूशन। यहाँ दे रखा है कैन अंडरस्टैंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी थिंग की विशेषता बताएं, किसी पर्सन की विशेषता बताएं। विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण या एडजेक्टिव। यहाँ दे रखा है समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एग्जाम्पल, अनिल वॉज अ गुड नेचर मैन, एवरीबडी लाइक्ड हिम। हम कभी कभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को दो वर्ड से मिला के बनाते हैं, मतलब एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा है गुड नेचर, अच्छा नेचर, दोनों ही एडजेक्टिव का फॉर्म है। तो यहाँ क्या किया है, दो वर्ड को यूज करके इस वर्ड को बनाया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन है, हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। यहाँ हमें ऐसे ही ज्वाइन करे हुए टू वर्ड्स दे रखे हैं जिससे हमें क्या करना है, नीचे दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है, इन बॉक्स में से चूज करके जो करेक्ट फॉर्म है करेक्ट सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे। मिसेज दास हैज़ अ ब्लैंक जॉब इन अ क्लॉथ शॉप। यस्टरडे एन ब्लैंक वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप। शी वॉज वेयरिंग ब्लैंक शूज। अ ब्लैंक डॉग वॉज विद हर। आई वॉन्ट अ ब्लैंक शर्ट टू माई डॉग प्लीज। शी शेल्ड फॉर योर डॉग। Asked Mrs. Das blank in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be blank in my next party. तो यहाँ ये पैराग्राफ है, सबसे पहले जो ब्लैंक है उसमें क्या लिखेंगे, पार्ट टाइम। मिसेज दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लॉथ शॉप। जो मिसेज दास हैं वो पार्ट टाइम जॉब करती हैं एक कपड़े की शॉप पे, दुकान पे। यस्टरडे एंड ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, वेल ड्रेस्ड। यस्टरडे एक वेल ड्रेस वूमन वॉक्ड इनटू द शॉप। एक वेल ड्रेस वूमन क्या करती है, आती है शॉप में। शी वॉज वियरिंग ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक लिखेंगे हाई हील शूज। शी वॉज वियरिंग हाई हील शूज। अ, यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे और लुकिंग, तो यहाँ लिखेंगे और लुकिंग सब्जेक्ट बनेगा। अ ओल्ड लुकिंग डॉग वॉज विद हर। तो यहाँ जो सेंटेंस होगा वो क्या है, अ ओल्ड लुकिंग डॉग। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑड लुकिंग डॉग वॉज विद हर। एक ऑड लुकिंग सा डॉग उसके साथ में था। वह बोलती है आई वॉन्ट अ ब्लैंक, यहाँ लिखेंगे लॉन्ग स्लीव शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज। तो यहाँ वो बोलती है मैं चाहती हूँ एक लॉन्ग स्लीव शर्ट मेरे डॉग के लिए कृपया। शी सेड फॉर योर डॉग, मिसेज दास सरप्राइजली बोली कि आपके डॉग के लिए। आस्क मिसेस दास ब्लैंक, यहाँ लिखेंगे ओपन माउथेड। सरप्राइज में जब हम बोलते हैं तो हमारा जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, क्या या क्या आपके डॉग के लिए, तो वो सरप्राइजली बोली मिसेस दास उस लेडी से। तो यहाँ लिखेंगे यस रिप्लाइड द वुमेन, वुमेन ने क्या कहा, हाँ रिप्लाई दिया उस वुमेन ने। आई वॉन्ट हिम टू बी, यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे स्वीट लुकिंग इन माई नेक्स्ट पार्टी। मैं चाहती हूँ कि वह अच्छा दिखे मेरी नेक्स्ट पार्टी में। तो यहाँ इस तरह से हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया है। दो जॉइन को जो जो वर्ड हैं उन्हें जॉइन करके डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ बनाए गए थे, तो हमने इन्हें यूज़ किया है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट सेकेंड है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस में ब्लैंक दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखे हैं और हमें ब्रैकेट में दो वर्ड्स दे रखे हैं। हमें करेक्ट फॉर्म को यहाँ ब्लैंक में लिखना है एडजेक्टिव की। फर्स्ट है श्रद्धा इज ब्लैंक लेडी, ब्यूटी और ब्यूटीफुल। लेडी के लिए यूज़ करते हैं हमेशा ब्यूटीफुल लेडी, श्रद्धा एक बहुत ही सुंदर लेडी है। सेकेंड है महाराणा प्रताप वॉज अ ब्लैंक किंग, यहाँ ब्रेव है और ब्रेवरी है, क्या यूज़ करेंगे, ब्रेव। महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव किंग, महाराणा प्रताप जो हैं वो थे बहुत ज़्यादा बहादुर किंग, बहुत ज़्यादा बहादुर क्या कहते हैं, राजा थे। थर्ड है माई फादर वॉज अ ब्लैंक मैन, यहाँ काइंडली है, काइंड है, यहाँ लिखेंगे काइंड यानी दयालु, मेरे फादर दयालु पर्सन थे।
फोर्थ है दिस इज एन ब्लैंक क्वेश्चन. यहाँ इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट दे रखा है, यहाँ आएगा इम्पोर्टेंट. दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. फिफ्थ है कमलेश इज अ ब्लैंक बॉय, करेज करेजियस, यहाँ लिखेंगे करेजियस. कमलेश एक करेजियस बॉय है. तो ये था वर्कशीट 26 का सॉल्यूशन. इसी तरह हम अन्य वर्कशीट को समझेंगे और उनकी सॉल्यूशन देखेंगे. तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.